हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी विद केबी। फ्रेंड्स, समर्स आ गए हैं एंड समर्स में कोल्ड ड्रिंक पीना हर किसी को पसंद होता है, बट अभी के टाइम में बाहर का मार्केट वाला कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और मार्केट में कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल भी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 4 डिफरेंट टाइप के कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आप अपने घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन अभी हमें बहुत इजीली मिल जा रहा है, तो हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन जूस। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटरमेलन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पिल ऑफ कर लेना है और उसे किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसके जूस को अलग कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर जूसर का यूज़ कर रही हूँ। इस जूसर को मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, देख सकते हैं आप, सिर्फ 250 यानी कि 250 रुपीज़ में मैंने इसे परचेस किया है। एंड ये जूसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं कितनी ईजीली तरीके से इसमें जूस निकल रहा है। सिर्फ 2 मिनट में 1 ग्लास वाटरमेलन जूस बनकर हमारा रेडी है। और ये जूस हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और ये हमारा रिफ्रेशिंग जूस बनकर रेडी है। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं पुदीने का जूस। फ्रेंड्स, गर्मियों में पुदीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो मैं 2nd नंबर पे बनाने वाली हूँ पुदीने का जूस। मैंने यहाँ पे पुदीने की कुछ पत्तियाँ ली हैं, उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी ऐड किया है एंड यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ, चीनी। इसके बाद इन तीनों इंग्रेडिएंट को मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसका एक बहुत ही सही वाला पेस्ट बन जाएगा, देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, 1 ग्लास में 2 से 3 आइस क्यूब लेने हैं। आइस क्यूब लेने के बाद हमने ये जो पुदीने का जूस बनाया है इसे 1/2 ग्लास स्ट्रेन कर लेना है ग्लास में। इसके बाद 1/2 ग्लास हमें सिंपल वाटर, कोल्ड वाटर ऐड करना है और ये हमारा कोल्ड ड्रिंक पुदीने का ड्रिंक बनकर बिल्कुल रेडी है। गर्मियों में हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको लेमन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारा रिफ्रेशिंग जूस बनकर रेडी है। एंड मेरा भाई अभी लॉकडाउन में हर कोई इंजॉय कर रहा है, बट वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये जूस मैं उसे देने वाली हूँ। ये बता कैसा है? टेस्टी का तो पता नहीं, हेल्दी तो बहुत है। चल पढ़ ले। नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं दही की लस्सी। फ्रेंड्स, गर्मियों में दही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/2 ग्लास दही। उसके बाद में 1 ग्लास ठंडा पानी लेंगे हम। 1 से 2 चम्मच हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे मिक्सर में बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और हमारी दही की लस्सी बनकर बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ मसाला नींबू पानी। मसाला नींबू पानी बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 टेबल स्पून लेमन जूस, थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और सिंपल नमक। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ 1 ग्लास में 1 से 2 आइस क्यूब लेने हैं। आइस क्यूब के बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून लेमन जूस और ये सारे मसाले बिल्कुल थोड़े थोड़े से ऐड करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 1 ग्लास मसाला जूस बना रहे हैं। तो 1 ग्लास के हिसाब से बिल्कुल थोड़े थोड़े से मसाले सफिशिएंट है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक पाउडर और यहाँ पर सिंपल नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में क्या करना है, आपको इसमें बिल्कुल कोल्ड वाटर ऐड कर लेना है और ये हमारा मसाला नींबू पानी बनकर रेडी है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है गर्मियों में। इसके साथ साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नींबू पानी वैसे ही गर्मियों में पीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप ये बना सकते हैं। इसको स्प्रिंकल करने के लिए मैं यहाँ ऊपर से थोड़े से जीरा पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, देख सकते हैं आप। और ये हमारा नींबू पानी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके के आप जूस अपने घर में बनाइए, बच्चों को पिलाइए, खुद पीजिए और ये सारे जूसेस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जूस बनाइए, पीजिए और पिलाइए।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।